संजय गांधी जू आउटरीच प्रोग्राम में आज आपका फिर से स्वागत है। ऊद बिलाव के बाद हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वो बहुत शांत और शर्मीले स्वभाव का बड़े आकार का पक्षी होता है, जिसका अधिकतर जीवन काल जल में ही बीतता है, इसीलिए इसे जलचर पक्षी भी कहते हैं। हम बात कर रहे हैं काले हंस की, जो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के निवासी हैं। इनकी गर्दन सुराही यानी घड़े की तरह पतली और लंबी होती है और इनके शरीर के मुकाबले इनकी आंखें और मुंह बहुत छोटे होते हैं। काले हंसों की औसत उम्र 40 वर्षों तक होती है। ये सामान्य तौर पर झील, तालाबों, नदियों और जल धाराओं के पास पाए जाते हैं। इन्हें दलदली घास के मैदान में भी रहना पसंद है। ये मुख्यतः पौधों की जड़ें, नरम तने, कलियां, पत्ते तथा छोटे फल खाते हैं। इसके अलावा ये वनस्पति से चिपके रहने वाले छोटे जीव, छोटी मछलियां, मेंढक और कीड़ों को भी खाते हैं। इनकी लंबाई 56 से 62 इंच तक की हो सकती है। इनके पैर छोटे और झल्लीदार होते हैं, जिससे यह पानी में अच्छी तरह से तैर पाते हैं। ये साल में एक बार 5 से 6 अंडे देते हैं और इनके अंडे देने का स्थान सरोवर के पास झाड़ियां या घास में होती हैं। अंडे देने के बाद मादा हंस उन पर तब तक बैठी रहती है जब तक उससे बच्चे नहीं निकल आते। इनका गर्भकाल 35 से 48 दिनों तक का होता है और इनका औसत वजन 3.5 से 9 किलो तक का होता है। हंस एक रक्षात्मक और सभ्य पक्षी है। यह आमतौर पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जब कोई इसके घोंसले या बच्चे के पास जाता है या इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो ये उस पक्षी या इंसान के पीछे भाग सकते हैं और उसे काट भी सकते हैं। इनके पैर की बनावट कुछ इस तरह की होती है कि ये आसानी से पानी पर तैर लेते हैं। इनके पैर छोटे झिल्ली युक्त होते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में हंस का इंक्लोजर इन्हीं विशेषताओं के लिए दर्शकों को बेहद पसंद है।